Hey guys, today I have this new Hyundai BS6 Phase 2 i20 Sports जो कि मार्च मेड है और here's a walk around. और अभी मैंने गाड़ी अनलॉक नहीं करी है, एकदम नई गाड़ी है, थोड़ी एक दो दिन चली हुई है बट थोड़ा बहुत उसको चला भी लिया है. तो दिस इज़ द रियर. डिज़ाइन में कोई मेजर चेंजेस नहीं है. स्पोर्ट्स में कंपनी ने इतना किया है कि बस अंदर से ऑटोमेटिक एसी को हटा दिया गया है, तो फिर वो चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई. वो जब अंदर जाएंगे तब बात करेंगे. फ्रॉम द आउटसाइड दिस कार लुक्स लाइक दिस. एंड ये कलर क्यों चूज़ किया है हमने, क्योंकि यार ये जो लगता है ना सामने से कार, ऐसा लगता है कि मतलब गुस्सा कर रही है. विद द पियानो ब्लैक फिनिश इन दी ग्रिल. और ग्रिल जो है इन्होंने ये ट्यूसॉन से निकाली है. ये सारी जो ग्रिल इसको है अब ये डाल रहे हैं अपनी गाड़ियों में. क्रेटा में भी जो नेक्स्ट इसका फेसलिफ्ट आएगा वो इसमें भी डाल देंगे इस ग्रिल को. तो ये जो ग्रिल है ना इस कलर के साथ ही इतनी खतरनाक लगती है. कार लुक्स लाइक एन ईगल, अ ब्लैक ईगल फ्रॉम द फ्रंट. और इसी वजह से ये कलर चूज़ किया स्टारी नाइट हमने. बट हाँ, इसमें एक दिक्कत ये होगी कि जो इसकी सफाई करनी होगी वो बड़ी मुश्किल से होगी यार. लेट्स स्विच टू द वाइड एंगल. तो फ्रॉम द रियर, फ्रॉम द लेफ्ट साइड दिस कार लुक्स सिक. और मैंने जैसे कि बोला कि डिज़ाइन में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट इन द i20 स्पोर्ट्स यू गेट दिस जी शेप्ड लाइट्स जो कि रात में बहुत प्यारे लगते हैं, जो ऐसे लगते हैं. और लेफ्ट में जो मेरे को इसकी प्यारी चीज़ लगती है गाड़ी की वो ये है कि जो इन्होंने फ्यूल टैंक का जो ओपनर है वो गाड़ी के लाइट्स के साथ ही अलाइन किया गया है, जो कि ऐसे करके ओपन हो जाता है और इसको बंद करो तो ख़त्म है. ऐसा कुछ नहीं कि आपको गाड़ी के अंदर बैठ के कुछ करना पड़ेगा, वैसा कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर. तो वो चीज़ काफ़ी प्यारी है. नीचे जो डिफ्यूज़र्स लगे हुए हैं एज यू कैन सी गाड़ी के, ये प्लास्टिक के, प्लास्टिक विद मिक्स फाइबर यहाँ पे डिफ्यूज़र लगाए गए हैं. और ऊपर जो है ये भी फाइबर यूज़ किया गया है. आजकल गाड़ियों में यही फाइबर यूज़ किया जाता है. तो ये है. एंड एज आई सेड दिस इज़ द स्पोर्ट्स वेरिएंट जिसमें जो ये क्रोम की स्ट्रिप है पूरी ये दी जाती है. अगर आप मैग्ना लेते हो तो मैग्ना में ये स्ट्रिप नहीं मिलती. ये जो रेड कलर की आप देख रहे हो ना लाइट का जो कवर होता है वो लगा होता है. लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है, जैसी आप वेन्यू में लाइट्स देखते हो ना जो पूरी इन्फिनिटी टेल लाइट्स जाती हैं, वो इसके अंदर नहीं है. बट दे हैव दिस क्रोम इन द स्पोर्ट्स एंड द एस्ट्रा वेरिएंट. तो बाहर से गाड़ी ऐसी लगती है. एंड विद द स्टारी नाइट कलर इट लुक्स इनसेन. लेट्स गेट टू द इनसाइड. गाड़ी को करते हैं अनलॉक. एंड दिस इज़ द की. की में एक लॉक, एक अनलॉक और ये बूट खोलने का बटन है. अगर इसको आप होल्ड करके रखोगे तो बूट अनलॉक हो जाएगी, गाड़ी अनलॉक नहीं होगी. एंड दिस इज़ द बूट. बूट में मैंने कवर डाल रखा है. कवर को अगर निकालेंगे ये इसकी अंदर की पूरी स्पेस है. इस वाले जो फ्लैप को है वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो अगर करना है आपको तो. और सीट जो है इसकी वो 60-40 नहीं है, पूरी सीट अगर आपको पीछे करनी है तो पूरी एक साथ पीछे होगी. तो वो चीज़ मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर आप बलिनो की तरफ जाओगे तो बलिनो में 60-40 स्प्लिट मिलता है, ग्लैंजा में भी वही मिलता है. एंड इन दी एल्ट्रॉज आई एम नॉट श्योर क्या मिलता है, बट इसमें पूरा एक सीट का जो कंपार्टमेंट है वो पीछे होता है. अदर देन दैट इसमें काफ़ी एडिक्वेट जगह है. एंड यू गेट दी 15-inch स्पेयर व्हील इन साइड. और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि इफ़ वी स्टेप आउट तो स्पोर्ट्स के अंदर यू गेट दी 16-inch अलॉय स्टाइल व्हील्स. ये अलॉय नहीं है, इट लुक्स लाइक एन अलॉय बट ये अलॉय नहीं है. कंपनी ने मैग्ना में डाला था नॉर्मल आपके जो ब्लैक वाले वो रहते हैं व्हील कवर्स, और जो स्पोर्ट्स है उसमें अलॉय स्टाइल्ड जो आपके व्हील कवर्स हैं वो हैं, बट अलॉय नहीं है. एंड वॉट एल्स यू कैन गेट. और हाँ, बात करें इसके प्राइस की तो मुझे मिली है ये 9 lakhs की ऑन रोड. वैसे इसका 924 के आसपास है, बट अगर आप डीलर से बात करोगे जितनी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स रहेंगी उस हिसाब से यू गेट द प्राइस ऑफ द कार. और साथ ही साथ अभी जो अगर मैं बात करूं इस टाइम पे मार्च 2023 की, तो अभी 10,000 का डिस्काउंट चल रहा है कार पे. उसके अलावा अगर आप एक्सचेंज करते हो कार अपनी पुरानी तो उसमें आपको मिलेगा 10,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट. हम की बात कर रहे थे, एक लॉक एक अनलॉक. और ये हमने बूट खोल के दिखाई थी आपको बूट वाले बटन से. और जैसे कि हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये जो ORVMs हैं ये अपने आप ही खुल जाते हैं, क्योंकि दैट्स व्हाट यू गेट इन दी स्पोर्ट्स वेरिएंट. और इसमें कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है गाड़ी के अंदर, जस्ट एक की का एक ऑप्शन दे रखा है की इंसर्ट करने का. और जो डोर हैंडल्स हैं आपके वो बॉडी कलर के मिलते हैं, जिससे मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता. आई लव इट, क्योंकि मुझे क्रोम से ज़्यादा इतनी वो नहीं है, मतलब लगाव नहीं है मेरे को इतना, तो चलेगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है. लेट्स गेट इनसाइड. और इन दी इनसाइड यू गेट दी ऑल ब्लैक इंटीरियर्स ऑफ दिस कार. जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका रियर व्यू मिरर हो गया. और लेफ्ट में यू गेट दी स्टीटर्स, एक ये और एक ये राइट में. और इसके अलावा आपके पास 4 speakers होते हैं. लेट्स टर्न ऑन द कार. और सबसे प्यारी चीज़ इस गाड़ी की इसका MID, फुल डिजिटल MID, एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी. और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस पे.
सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि ये तो एवरेज है, एवरेज को छोड़ दो भाई, अभी तो गाड़ी नई ली है, ये पता नहीं 8 दिखा रहा है। बड़ी मुश्किल से घर वालों को मनाया था उसके कि एवरेज दे देगी, लेकिन अभी तो नहीं दे रही है, ये 8 दिखा रही है। लेकिन अभी आप मतलब जैसे इसको मैं ड्राइव करूँगा तो आई गेट अराउंड 11 to 12, बट लेट्स सी, पहली सर्विस होती है उसके बाद हम एवरेज इसका देखेंगे। मैं अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ एवरेज के ऊपर। एंड गाड़ी के जो स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये आपका वॉइस असिस्ट है, ये मोड वाला बटन जो है जो कस्टमाइजेबल है, आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो उसको, आपको कुछ भी लगाना है। अगर इस पर टैप करके आपको ब्लूटूथ ऑडियो ऑन करनी है तो वो हो जाती है। एंड अभी मेरा ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है, एज यू कैन सी ये बोल रहा है नो मीडिया सोर्स अवेलेबल, तो इसलिए FM चल गया। लेट्स टर्न द FM ऑफ। और ये है कॉल उठाने का, ये कॉल काटने का बटन, ये है आपके गाने आगे पीछे करने का बटन, ये है वॉल्यूम का। और अगर आप राइट में चलोगे तो राइट में ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बटन्स दे रखे हैं। लेट्स टर्न ऑन द इग्निशन, और आप देख सकते हैं कि ये इग्निशन ऑन हुआ एंड द नॉइस इनसाइड द केबिन इज क्लोज टू जीरो। आप नोटिस कर सकते हो गाड़ी में अभी एसी नहीं चल रहा है, और ये केबिन नॉइस है जो कि बहुत कम है। इस वजह से भी मैंने इस गाड़ी को चूज़ किया था, क्योंकि यार जिस तरीके से ये गाड़ी चलती है ना, और जो मतलब जितना अच्छा NVH लेवल्स है ना इस गाड़ी का, वो मेरे को बहुत खुश करता है यार इसके बारे में। तो हाँ, लेट्स गेट बैक टू इट। तो ये जो बटन है आपका इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो इस पर मैं टैप करूँगा तो हम चलते हैं यहाँ पे टायर प्रेशर की तरफ। और हाँ, अभी जो टायर प्रेशर है थोड़े से ज़्यादा है, और मतलब आपको देखने को ही पता चल रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे कम करना पड़ेगा। और हम इसको फिर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स दे रखी है, लाइट्स की सेटिंग्स दे रखी है। अगर हम लाइट्स की तरफ जाएंगे तो ये इल्यूमिनेशन ऑफ हेडलैम्प डिले और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो मेरे को शोरूम वालों ने बोला था कि इसको मैं ज़्यादा ना छेड़ूं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक, ये सारी सेटिंग्स जो आप देख सकते हो, ऑन की आउट, और ये सारी चीज़ें जो आप अपने हिसाब से आपको कस्टमाइज़ अगर करनी है तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं अभी इनके साथ नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट वेल अवेयर अबाउट इट, बट ये चीज़ें काम आती हैं गाड़ी के अंदर अगर आप इसके MID में देखोगे तो। कन्वीनियंस की तरफ जाओगे तो कन्वीनियंस में वेलकम मिरर, ये वही सेम चीज़ है कि आप जब अपना डोर अनलॉक करते हो और लॉक करते हो तो आपके जो RPMs हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, बंद होते हैं, तो आपका मूड हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। वाइपर लाइट्स डिस्प्ले भी है इसमें, IC रोड वार्निंग भी आती है, एंड व्हेन वी गेट बैक यहाँ पे सर्विस इंटरवल भी दिखाता है गाड़ी की। हाँ, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अब इंटरवल जो है वो भी मैं खुद एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं बाद में कर लूँगा, बट हाँ, एज यू कैन सी यहाँ पे ये भी ऑप्शन इसका दे रखा है। एंड ओके, यहाँ से हम पीछे चलते हैं वापस, और पीछे जाएंगे तो अदर फीचर्स में जाएंगे तो यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी भी दे रखी है, ऑटो रीसेट और फ्यूल इकोनॉमी यूनिट भी दे रखी है, टेम्परेचर यूनिट भी दे रखी है। टेम्परेचर यूनिट शायद मैंने ऑफ कर रखी है, अच्छा नहीं, ऑन है बट इट इज़ इन सेल्सियस राइट नाउ। टायर प्रेशर का भी दे रखा है यहाँ पे सिस्टम सारा, PSI, KPA और बार, जिसमें भी आपको चाहिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हो उसको। लेट्स गेट बैक, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलती हैं इसके इन्फॉर्मेशन वाले बटन को अगर आप प्रेस करो तो। फर्स्ट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, ये दूसरी वाली जो है आपकी की तब से मतलब शुरुआत से अब तक आपने कितनी गाड़ी चलाई है वो, तीसरी वाली जो आप स्विच करोगे तो वो अभी की ट्रिप है जब आप घर से निकले हो तो क्या एवरेज और क्या दिखा रहा है वो ये है, और दूसरी साइड में आपका टायर प्रेशर और ये सारी सेटिंग्स। इसके अलावा ऑन द राइट यू गेट दिस डिजिटल RPM मीटर, ऑन द लेफ्ट यू गेट द डिजिटल स्पीडोमीटर। एंड जैसे कि मैं गाड़ी को रेव करता हूँ, गाड़ी का आप सुन सकते हो जो इंजन का शोर है, जो भी आप इसको समझो वो है, बट इनसाइड द केबिन इज वेरी वेरी साइलेंट, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता। मैं कभी कभी पता है बैठा रहता हूँ गाड़ी में और गाड़ी ऑन होती है और उसको मैं ज़बरदस्ती ऑन करने में लगा रहता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ मेरे को फील होती है काफ़ी। बाकी ऑन द राइट ये सारे आपके जो कंट्रोल्स होते हैं बेसिक वो है, और पता है मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी, मेरी आइटन में भी थी ये, लेकिन इसमें भी है जो आपकी लाइट्स होती है उनको आप कैसे एडजस्ट करते हो, ये उस तरीके से दे रखा है। एंड द इंटीरियर इज लाइक दिस, पूरा ब्लैक इंटीरियर है। और हाँ, जो चीज़ मेरे को अब काफ़ी हिट करती है दिमाग में वो की है, ये कंपनी ने जो BS6 का फेज़ 2 निकले हैं, जो सारी कार्स निकली हैं उसके साथ कंपनी ने थोड़े से पैसे कम करे हैं, 3,500 रुपये गाड़ी में कम करे हैं, और कम करने के साथ साथ उन्होंने जो ऑटोमेटिक AC था उसको भी रिमूव करके मैनुअल AC कर दिया है, जो कि मुझे काफ़ी इरिटेट करता है, बट इट्स लाइक ओके कि ठीक है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर कर दिया तो कोई बात नहीं। एंड ऑन दिस डिस्प्ले यू गेट डिसेंट थिंग्स कि आपको फ़ोन कनेक्ट करने को मिलता है, ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसके अलावा रेडियो है तो वो तो होता ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो गेट दी एप्पल कार प्ले, यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना कनेक्ट भी किया था, बट इट डिपेंड्स ऑन द फोन स्पीड, फोन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से आपका कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो काम करेगा। एंड आई यूज्ड इट, इट वॉज डिसेंट,
उसके अलावा इन द स्पोर्ट्स वेरिएंट यू गेट दिस आर्मरेस्ट, जो कि मुझे थोड़ा सा ना पता है पीछे की तरफ लगा कि यार अगर आप मतलब सिटी में ड्राइव कर रहे हो ना तो इट्स लाइक ओके, अगर आपकी आर्म्स इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लंबी नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है इसको आर्मरेस्ट को यूज़ करने में, क्योंकि काफ़ी पीछे है ये, और अभी मैंने सीट बहुत पीछे कर रखी है, दैट्स नॉट हाउ आई ड्राइव, तो वो सीन थोड़ा सा मेरे को लगा, बट ऑन दी हाईवेज इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, क्योंकि आप हाईवे पे तो क्रूज कंट्रोल ओके, हाँ ऑन द राइट Let's get back to it. On the right, you get this cruise control feature. This is the cruise control button. आप इसे adjust कर सकते हो जो speed है. Okay करने के बाद आप अपना cruise control बहुत आराम से use कर सकते हो. और जब आप brake press करोगे या फिर इसको यहाँ से इस वाले button से pause या cancel करोगे तो cruise control आपका cancel हो जाएगा. और right में अगर आप चलोगे तो ये सारे buttons दे रखे हैं. ये है child lock. ये आपके सारे शीशे ऊपर नीचे करने के buttons. ये हैं आपके left और right switches जो आपके ORVMs को adjust करेंगे इस तरीके से. तो ये चीज़ काफ़ी प्यारी है, ये स्पोर्ट्स के अंदर ही है. और आई एम नॉट श्योर, वैसे ये जो मतलब अपने आप खुलने बंद होने वाले ORVMs है वो तो स्पोर्ट्स में है, बट मुझे ये नहीं पता कि ये वाला एडजस्टेबल बटन मैग्ना में है कि नहीं, बट यू गेट दिस इन स्पोर्ट्स. और इस बटन से आप बंद कर सकते हो और खोल सकते हो गाड़ी के अंदर से ही. और अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो गेट सम हाइट एडजस्टेबल फीचर्स इन द ड्राइवर सीट, जैसे कि मैं देख सकता हूँ अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और मैंने अगर थोड़ी सी ऊपर करी तो मैं ऊपर ऊपर आता जाऊँगा ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, बट यस हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन दे रखा है. और सीट आगे पीछे इसको जो ये वाला रहता है पीठ वाला वो भी दे रखा है आगे पीछे करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर गाड़ी के अंदर. और स्पीकर्स गाड़ी के बहुत प्यारे हैं, और मैं टेस्ट करके दिखाता लेकिन मैं अपना खुद का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ अभी रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैंने कनेक्ट किया तो वीडियो बंद हो जाएगी. एंड ऑन द लेफ्ट यू गेट दिस इंटीरियर. और टॉप पे अगर आप चलोगे तो दो लाइट्स हैं आपके पास ये, और जो कि डोर खोलने बंद होने वाले ऑप्शन जो होते हैं उस पर ऑन ऑफ होती रहती हैं. एंड यू गेट दिस वैनिटी मिरर ऑन द लेफ्ट, और साथ में आपको ये मिलता है सनग्लास होल्डर अगर आप यूज़ करते हो सनग्लासेस. तो ऑनेस्टली मैं नहीं पहनता होता है सनग्लासेस, तो आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ इट, और इसका मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा है, बट स्टिल ये चीज़ दे रखी है इन द स्पोर्ट्स वेरिएंट. और जगह की बात करें गाड़ी के अंदर, मैं देखो अभी इतनी जगह खाली है, इतना लेग रूम है हमारे पास, इतनी जगह पीछे से भी होगी, मतलब इतनी तो नहीं होगी बट काफ़ी जगह पीछे भी रहती है, जबकि मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ. और अगर चले पीछे की तरफ ना, मैं चाबी निकाल लेता हूँ भाई, इसका कुछ पता नहीं है कभी लॉक हो जाए कि नहीं, नई गाड़ी वैसे ही है, मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं है. तो अगर चलेंगे पीछे की तरफ तो पीछे भी केबिन में काफ़ी जगह है, और इसको डिज़ाइन भी किया गया है सेडान की तरीके से कि अगर आप बैठो तो आपके पास जगह काफ़ी रहे. लेग रूम इज़ डिसेंट, अभी भी मेरे पास काफ़ी लेग रूम पड़ा हुआ है, जबकि सीट बहुत पीछे है, मतलब इतनी पीछे तो मैं रखता नहीं हूँ, फिर भी काफ़ी पीछे है सीट, और अभी भी मेरे पे काफ़ी जगह है. और मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, तो तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं, जिनका एक 70-80 के बीच में वेट हो वो लोग भी आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं. पीछे आपके पास ये सीट बेल्ट के ऑप्शन रहते हैं. जो सीट कवर्स हैं वो मैंने शोरूम से ही चढ़वा लिए थे, उन लोगों ने दिए थे तो वो मैंने लगवा लिए थे. ऑन द बैक यू गेट दिस लाइट, और इसके अलावा आपके पास पीछे यहाँ पे दो एसी वेंट्स हैं जिनको आप एडजस्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे ये एसी वेंट्स दे रखे हैं कि अगर लेफ्ट में जो लोग हैं उनको यूज़ करना है तो लेफ्ट में अपना हिसाब से एडजस्ट कर लो, और राइट में भी. और उसके अलावा नीचे आपको एक चार्ज करने का USB ए सॉकेट मिलता है, यहाँ पे हल्की सी स्टोरेज मिलती है अपना फ़ोन वोन रखने के लिए. लेकिन जो मैं इस गाड़ी में चीज़ मिस करता हूँ वो ये है कि मेरी जो आइटम थी पहली वाली उसमें यहाँ पे ना दो कप होल्डर्स थे, तो आप यहीं से कप्स को रख सकते हो जो कि इसमें नहीं है. और इसके अलावा यू गेट दिस स्टोरेज इन दी आर्मरेस्ट अंडरनीथ दी आर्मरेस्ट जो कि कूल्ड नहीं है. एंड कूल्ड के साथ साथ हम एक चीज़ के ऊपर आते हैं जो कि है एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डैशबोर्ड यू गेट दिस कूल्ड ग्लव बॉक्स जो कि बहुत मदद करता है आपकी जो भी कोल्डिंग वोल्ड्रिंग है उसको रखने के लिए. मैं बियर बोलने वाला था एनीवेज. तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कंट्रोल दे रखा है, बट इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस करी, आपने करी होगी कि नहीं, कि ये एसी के साथ ही चलता है. ऐसा नहीं है कि अगर एसी आपका ऑफ रहेगा तो ये भी चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है. एसी अगर आपका ऑफ है तो ये इसको कुछ भी कर लो ये ऑन नहीं होगा, आपको यहाँ से पहले राइट से एसी ऑन करना पड़ेगा उसके बाद ही ये काम करेगा. तो ये चीज़ है, बट हाँ कूल ग्लव बॉक्स इज़ अ गुड थिंग टू यूज़ एंड टू बी देयर इन द कार. इसको मैं वापस डाल देता हूँ गाड़ी के अंदर. और इसके अलावा ये सारी चीज़ें दे रखी हैं गाड़ी के अंदर. चलेंगे ड्राइव की तरफ, तो ड्राइव जो होगी वो मैं अपने घर वालों के साथ करूँगा, क्योंकि मैं ड्राइव करता करता रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा भाई, तो वो चीज़ है. एंड दिस वॉज द कार फ्रॉम द इनसाइड. और डोर्स में आपको ये सारे मिलते हैं यहाँ पे,
बॉटल्स रखने के लिए। यहाँ पे मैंने देखा था कि आप अगर ज़बरदस्ती एक बड़ी और छोटी बॉटल रखो तो रखी जाएगी, वरना उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे आप यहाँ पर। बट ऐसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा इसका केबिन है पीछे का, जो कि बहुत स्पेस प्रोवाइड करता है पीछे वाले बंदों को। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो गाड़ी बहुत चौड़ी है पीछे से। हैचबैक्स इतनी चौड़ी नहीं होती हैं, बट अगर आप प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जाओगे तो ये काफ़ी चौड़ी आपको मिलेगी। और मैंने एक चीज़ और देखी थी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस गाड़ी को एक सेडान के डिज़ाइन को मतलब दिमाग में रखते हुए बनाया गया है। आप ऐसे देखोगे काफ़ी स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, और मैंने कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं देखी जहाँ तक कि अगर हम इस सेगमेंट में बात करें अल्ट्रोज़ की, अल्ट्रोज़ नहीं है ऐसी, और हम बात करें बलिनो की, बलिनो भी नहीं है ऐसी। बट द वे दिस कार इज़ डिज़ाइंड इन अ स्ट्रीमलाइंड फैशन बहुत प्यारी है। इंजन इसका है 1.2 एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि प्रोड्यूस करता है 84 पीएस की पावर। और जो इसका वेट है, मैं अगर गाड़ियों से कंपेयर करूँ, अल्ट्रोज़ से काफ़ी हल्की है, बलिनो से 100-150 किलो भारी है, जिसकी वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डिसेंट है अगर आप इसे एक फैमिली कार की तरह यूज़ करना चाहते हो। मैं इंजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका टर्बो की तरफ नहीं जाओगे तो आपको एक डिसेंट सी परफॉर्मेंस मिलेगी जो कि इस गाड़ी में है। एंड ऑन दिस फ्रंट यू गेट दीज हैलोजन विद द टर्न इंडिकेटर्स, और नीचे की DRLs मिलती हैं आपको विद द मिनी फॉग। बहुत छोटे से फॉग लैंप्स दे रखे हैं जो कि इस गाड़ी में आपको मिलते हैं विद दिस पियानो ग्रिल, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। एंड ऑन द लेफ्ट ऑल्सो यू गेट दिस हैलोजन लाइट्स। फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस कार लुक्स लाइक एन ईगल। ऐसा लगता है कि मतलब गुस्से में घूर रही है गाड़ी आपको, एंड स्पेशली इन दिस डार्क नाइट कलर। और बात करेंगे इसके वही DRLs की, तो नीचे DRLs हैं, डे टाइम रनिंग DRLs, और ये मिनी फॉग विद द स्लीक डिफ्यूज़र इन द बॉटम। ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में। चलते हैं अंदर वापस से, अब चलाएंगे गाड़ी को और चलाते समय देखेंगे कि भाई क्या सीन है, कैसी लगती है। और ये आपने नोटिस कर लिए होंगे, ये जो क्रोम के आपको पूरी लाइनिंग मिलती है लेफ़्ट से लेकर राइट तक पीछे से, ये आपको स्पोर्ट्स और एस्टा में मिलेगी। अगर आप मैग्ना लोगे तो ये चीज़ मिसिंग रहती है, ब्लैक रहता है यहाँ से पूरा। ओके, एनीवेज, और हाँ, पीछे ये डिफॉगर भी मिलता है आपको स्पोर्ट्स में। मुझे एक चीज़ काफ़ी मिस करती है, मतलब मैं बहुत मिस करता हूँ उस चीज़ को, पीछे के जो रियर आपके वाइपर्स होते हैं उनको, क्योंकि मेरी जो पता है आइटन मैग्ना थी, दैट वॉज दी लाइक स्पेशल कार। क्योंकि स्पेशल क्यों थी, क्योंकि उस टाइम 10 साल हुए थे Hyundai को इंडिया में आए हुए, तो उन्होंने एक स्पेशल वर्जन निकाला था उस कार का। तो मैग्ना में बहुत फीचर्स थे, रियर हेडरेस्ट था एडजस्टेबल, जो कि इसके स्पोर्ट्स में नहीं है, इसके स्पोर्ट्स में नहीं है, ये नॉर्मल है, ये ऊपर नीचे नहीं होते, ये ऐसे ही रहते हैं, जो कि पहले थी आइटन में, बट इसके स्पोर्ट्स में आपको नहीं मिलती, ऐसा में मिलती है। और ये रियर के वाइपर्स भी इसमें नहीं है, बट डिफॉगर एटलीस्ट, तो दैट इज़ फाइन। उसके अलावा डोर जो है इसके, वो पूरे पीछे वाले तो पूरे 90 डिग्री नहीं खोलते हैं, बट अगर आप आगे के डोर्स की बात करो तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइड खोलते हैं। एंड एज यू कैन सी, पीछे के डोर्स काफ़ी ज़्यादा वाइड खोलते हैं। ये भाई साहब शोर मचाने के लिए आ गए यहाँ पे। एनीवेज, पीछे के डोर्स बहुत ज़्यादा वाइड हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है बैठने में। बट हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये सेडान को दिमाग में रखते हुए गाड़ी बनाई गई है, तो जो लोग हैं 5'9" से ऊपर के, उन लोग को थोड़ा सा झुकना पड़ेगा गाड़ी में बैठने के लिए। जैसे कि मेरे पापा हैं 5'10", वो बोलते हैं कि भाई मेरे को थोड़ा झुकना पड़ता है इस गाड़ी में बैठने के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस कार इज़ वेरी नाइसली डिज़ाइंड, स्ट्रीमलाइंड। और अगर आप इसका NN की तरफ जाओगे या फिर टर्बो की तरफ जाओगे तो बहुत प्यारी परफॉर्मेंस वो निकाल के देगा। एंड टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, इसको 3 स्टार मिले हुए हैं NCAP से, जो कि मेरे नज़रिए में डिसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बट लाइक टाटा में तो खैर 5 स्टार मिलते हैं, बट टाटा में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि इसमें नहीं है, तो वो चीज़ है। चलो, बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं गाड़ी चलाने के लिए। मैं अपने घर वालों को बुला लेता हूँ ताकि सब गाड़ी में घूमें, और तब देखते हैं चलने में गाड़ी कैसी है। तो जैसे कि आप सुन सकते हो, गाड़ी के अंदर कुछ भी आवाज़ नहीं है, इंजन अभी ऑन है। इसका जो पहले से कंपनी रख के देती है वो 0.7 × 1000, लाइक 700 RPM पे गाड़ी को रखा हुआ है इन लोगों ने। और जैसे कि मैं फर्स्ट गियर डालूंगा, फर्स्ट गियर डालने के बाद पहले बेल्ट लगा लेते हैं भाई, वरना गाड़ी आवाज़ करेगी। और गियर्स इसके बहुत स्मूथ है, मतलब क्लच को आराम से प्रेस करके आप गियर डालो, कोई कुछ पता नहीं चलता है। AC ऑन कर लेते हैं थोड़ा सा। और जैसे कि मैं बता रहा था, कोई कंपनी ने हल्का सा इसको ऊपर रखा हुआ है RPM को, तो जब आप एक्सेलेरेटर छोड़ोगे तो गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती है, और फिर आपको एक्सेलेरेटर देने की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। और इनिशियल इंप्रेशंस गाड़ी के बहुत प्यारे हैं, मतलब फर्स्ट गियर आप डालोगे पता भी नहीं चलता गाड़ी कब चलने लग जाती है। और गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है गाड़ी की। और रोड नॉइस है, क्योंकि अभी टायर का प्रेशर भी थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके अलावा गाड़ी फालतू की आवाज़ कुछ नहीं कर रही है अभी तो। और मैं अभी 40 के आसपास ही पहुंच गया हूँ फोर्थ गियर पे, जो कि
मेरे को लग रहा है कि ठीक है गाड़ी हल्की सी डिमांडिंग है गियर्स में, थोड़ा सा अगर आप पुश करो गाड़ी को तो वो बोलती है कि भाई गियर डाल दे, ऐसे मत चला गाड़ी को, और कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी में, बहुत स्मूथ गाड़ी है। अगर आप इसे कंपेयर करो टाटा और मारुति से तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरी गाड़ी चल भी रही है, अपार्ट फ्रॉम द नोट जो रोड नॉइस होती है हल्की सी टायर की आ रही है और जो नीचे पार्टिकल्स होते हैं रोड पे वो फील हो रहे हैं, उसके अलावा मुझे नहीं पता चल रहा है इंजन कितनी आराम से चल रहा है, कोई वाइब्रेशंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, आपको डाउन शिफ्ट करना है आप आराम से कर सकते हो, और स्टेयरिंग इतना लाइट है। मैं एक्चुअली बताऊँ आपको, मेरी पिछली वाली गाड़ी में मैंने आई पॉप लगा रखा था, जो एक हाथ से स्टेयरिंग को घुमाने के लिए जो वो आता है इंस्ट्रूमेंट वो था, वो मेरे को इस गाड़ी में बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, मैं एक हाथ से आराम से चला सकता हूँ इस गाड़ी को, काफ़ी प्यारी हैंडलिंग है और बहुत लाइट स्टेयरिंग है। बट मेरे को एक चीज़ पता चली इस गाड़ी के बारे में कि जो इसका इंजन है बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पेपी नहीं है, अगर आप, मैं वही बोल रहा था स्पोर्ट्स की तरफ अगर आप जाओगे थोड़ा सा, अगर आपको हल्का सा इंजन आपको ऊपर ट्यून्ड चाहिए तो आपको टर्बो के लिए जाना पड़ेगा या फिर आप डीजल के लिए जाओ, एनीवेज इसका डीजल कंपनी ने बंद कर दिया है, तो वो चीज़ इसमें मिसिंग है, मतलब स्पोर्टीनेस जो होता है इंजन का वो हल्का सा लैग करता है इसमें, आपको फील होता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है, बट ड्राइविंग इन द सिटी बहुत सही चलती है गाड़ी। शॉकर्स इसके डिसेंट हैं जो कि मेरे को अच्छा लगा। दूसरी बात यह है कि मैंने ह्यूंडई में इन जनरल फील किया है, जब आप इसको थोड़े से अच्छे खासे स्पीड ब्रेकर्स पे लेके जाते हो तो इसके शॉकर्स जो है फ्रंट शॉकर्स आवाज़ करते हैं, जो कि क्रेटा के अंदर भी है, इस गाड़ी में नहीं है, सब गाड़ियों में ह्यूंडई की, मैंने मेरे दोस्त की क्रेटा है वो मैंने चलाई थी उसमें भी वो चीज़ है, तो ह्यूंडई में इन जनरली वो दिक्कत है। बट टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, मैं देखो एक हाथ से घुमा रहा हूँ गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूम रही है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है मुझे। एंड टॉकिंग अबाउट द इंजन रिस्पॉन्स, दिस इज द इंजन रिस्पॉन्स, नॉट दैट ग्रेट बट डिसेंट कंसिडरिंग अ फैमिली कार, बहुत प्रीमियम गाड़ी है, बहुत प्यार से चलती है, अगर थोड़ी सी बदतमीजी करोगे तो हल्की सी झेल लेगी, ज़्यादा नहीं झेलेगी, तो वो चीज़ इस गाड़ी के अंदर है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, कंसिडरिंग कि मुझे आराम से चलानी है, और अगर बदतमीजी चलानी होगी तो बाद में भैया पैसे कमाएंगे बहुत तो एक अच्छा खासा इंजन लेंगे। तो ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है, कंसिडरिंग द क्लच बहुत लाइट है, गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज फन। और जो इसकी डिटेल्ड एक और वीडियो होगी जो मैं चीज़ें ऑब्जर्व करता रहूँगा इस गाड़ी के बारे में, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि जितना मैं ड्राइव करूँगा उस गाड़ी को उतना मेरे को पता चलेगा इस गाड़ी के बारे में और मैं वो आपको बताता रहूँगा। बट इनिशियली द कार इज फन, इट्स डिसेंट फॉर अ फैमिली, लाइक बीइंग अ फैमिली कार इट इज़ डिसेंट, और अगर आप एक एंथुजियास्ट हो तो आपको इनलाइन के लिए जाओ या फिर टर्बो के लिए जाओ, अदरवाइज दिस कार इज फन। लेट्स एंड द वीडियो, कोई बात होगी तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, मिलते हैं।